फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। लो वसाई, ये सब मैं बांट देना। जी अम्मा जी। ये लो। आज तो ईद हो गई वसाई। तो और क्या, जहाँ पे बड़े साहब और बड़ी बीबी साहबा जैसे मालिकान हो ना, तो हर रोज ही ईद का होता है। ये लो। यहाँ तो सब कुछ मेरी बीबी और वकार साहब का है। क्या मतलब? इदरीस साहब तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। बस बस, तुम लोगों को तो मौका चाहिए मालिकों की बुराइयां करने का। पकड़ो और जाओ यहाँ से, अपनी अपनी ड्यूटी करो। सलमान, क्या हो मामा के पास? आजो 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 आजो, मेरा बेटा, मेरी जान। अरे बेटा उठो यहाँ से, अभी एक बहुत तो माशाल्लाह से मेरिन के अपने बच्चे से आबाद होने वाली है। नहीं, मुझे मामा के पास रहना है। बिल्कुल, मेरा सलमान अपनी मामा के पास होगा। शायस्ता, क्या बात है, क्या सोच रही हो? जो देख रही हूँ वही सोच रही हूँ। आप भी देखें उस तरफ। ये तो कोई नई बात नहीं है, हमारा सलमान महरीन से हर वक्त इसी तरह चिपके रहता। अब नहीं चिपकेगा। जब महरीन की अपनी औलाद हो जाएगी ना, तो हमारे सलमान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और आपका छोटा भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपने बच्चे के नाम कर देगा। मेरे बेटे ने कुछ खाया? मुझे कुछ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना आपने? सब गेस्ट यहाँ से निकाले हैं, हम अपने रूम में चलते हैं। अभी चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। बदमाश। सलमान बेटा, चलिए अपने कमरे में चलते। भाभी, मैंने कहा ना अपने कमरे में चलो। क्या हो गया शाइस्ता भाभी, क्यों जिद कर रही हैं आप?
पहले ही सलमान का मूड बहुत ऑफ है। इसका मूड ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो। आखिर हुआ क्या शायस्ता? अब देखे ना इद्रीस, मेहरीन को इस हालत में एहतियात करनी चाहिए ना, और सलमान उसकी गोद में चढ़ के उछल रहा है। शाइस्ता, तुम जानती हो ना कि सलमान एक पल भी नहीं रहता है मेहरीन के बगैर। छोड़ो इसका हाथ। जी अम्मा जी। बस करो ढोलकी बजाना, बड़ी बीबी साहिबा के घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। चलो मेरे साथ नाचो, उठो, चलो बजाओ। वसाई, जी बेगम साहिबा, अब क्या पूरी रात तुमने नाचते रहना है? वो जी, आज इतनी बड़ी खुशी की रात है तो मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकती। काबू में रखो अपने जज्बातों को। शाइस्ता, क्या हो गया? भाई उसको खुशियां मनाने दो, जानती तो हो तुम वकार और मेहरीन के यहाँ 6 साल के बाद खुशी आई है। अम्मा जान, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि इतना टाइम हो गया है ना, रस्म शुरू करते हैं। हाँ ये भी ठीक कह रही हो तुम। बस आई, चलो सारा सामान लेकर आओ रस्म करने के लिए। ओ अम्मा जी, सामान तो मैंने पहले ही सारा मेज पे रख दिया। अच्छा चलो बच्चियां आओ रसम करते हैं, आ जाओ। बड़ी बीबी साहिबा, चले मेरे साथ कमरे में, थोड़ा आराम कर लें, आप थक गई होंगी। वसाई, अभी आप जाएं, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी, सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ पे। चले जैसे आपकी मर्जी, जब जाना हो तो मुझे बुला लीजिएगा। शाइस्ता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है। मेहरीन की गोद भराई की रस्म में भी तुमने एक मेस क्रिएट कर दिया था। आपने देखा नहीं था मेरा सलमान किस तरह से मेहरीन की तवज्जो चाह रहा था, और मेहरीन ने क्या किया? उसने टोटली इग्नोर कर दिया सलमान को। ऐसा हरगिज नहीं है शाइस्ता, तुमने उसे मेहरीन की गोद से उठने को कहा था जबकि वो उसके हक में नहीं थी। ठीक है, नहीं गलत समझ रही, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर मैं ये जानना जरूर चाहता हूँ कि इन दिनों
तुम क्या सोच रही हो? मेरा सलमान इस खानदान की वाहिद औलाद था, और अब मेहरीन भी मां बनने वाली है। इस बात का क्या मकसद है? बात बहुत सीधी है इद्रीस। मेरा सलमान इस घर का वाहिद वारिस था, आगे चल के ये सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ उसे मिलना था, मतलब हमें मिलना था। लेकिन अब ऐसा होगा, इसीलिए ये बात कह रही हूं मैं। शाइस्ता, तुम इतना मनफी कैसे सोच सकती हो? तुम पहले तो ऐसी हरकत नहीं थी। पहले सलमान इस तरह इग्नोर भी नहीं हुआ था, सबकी आंखों का तारा था वो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लेकिन शायद आपको नहीं पड़ता। आप तो अपने भाई के ऑफिस में एक जीएम की नौकरी करके बहुत खुश है ना, तो खुश रहिए आप। क्या सोच रही हो? मैं खुदा की कुदरत के बारे में सोच रही थी। मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी। लेकिन मेहरीन, मैंने तुम्हें कभी होपलेस महसूस नहीं किया। शादी के 6 वर्ष, ना कोई औलाद ना कोई उम्मीद। मां बनने की ख्वाहिशमंद औरत मायूस होती। चलो, अब तो खुदा का शुक्र है कि उसने तुम्हारी उम्मीदों को मरने नहीं दिया, हमारी दुआएं सुन दी। जब औरत की गोद में बच्चा होता है ना, तो वो खुद को मुकम्मल तसव्वुर करती। बेऔलादी के इन 6 वर्षों में तुमने सलमान को कब अपनी गोद से उतरने दिया? इतना तो वो अपनी वालदा शाइस्ता भाभी से अटैच नहीं है। हो भी नहीं सकता, पता नहीं क्यों सलमान और मुझ में एक अजीब सी अटैचमेंट है, एक बाउंड है, जिसकी मजबूती क्यों और क्या है ये मैं खुद भी नहीं समझ पाई। अच्छा, ये तो तुमने बताया नहीं कि हम अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम रखें। अच्छा सवाल है, बेटा होगा तो नाम मैं रखूंगी, और बेटी हुई तो नाम आपकी मर्जी से रखा जाएगा। ओके। लेकिन अभी जो इस तकरीब में हुआ, शाइस्ता भाभी का मुझे ये बिहेवियर समझ में नहीं आया। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। माना कि सलमान उनका बेटा है, लेकिन मेरा भी बेटा है सलमान। आप चाहे तो सलमान से पूछ लें। हाँ, सलमान तुम्हारा ही बेटा है। वसाई, इधर आओ। जी बेगम साहिबा। बच्चा तो मेहरीन के घर हो रहा है, और खुशियां तुम मना रही हो, क्यों भाई? मैं तो जी इस घर की हर खुशी में खुश हो जाती हूँ। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ी लहक लहक के डांस कर रही थी। घर के काम कह दो तो तुम्हारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। वो जी बड़ी बीबी साहिबा की खुशी में मैं अपने सारे दर्द भूल गई। वही तो कह रही हूँ, तुम किस बात पे खुश हो रही हो इतना? बेगम साहिबा, मेरी अपनी तो कोई औलाद हुई नहीं,
बस जब इस घर में बच्चे की आने की खुशी का सुना तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। व्हाटएवर, आराम से मैरीन, आराम से। वे आराम से चल रही हूँ। आराम से, आराम से। अरे मैं आ रहा था ना, पीछे इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? हाँ, हो गया, आप लोगों को सब ऐसा करने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से, आराम से। अरे बकार, मैरीन का इस तरह सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना ठीक नहीं है। इस हालत में तुम लोग से कहा है कि नीचे कमरे में आ जाओ। अरे अम्मा जान, आपकी बहू भी तो मने। क्यों मैरीन? अम्मा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने कमरे में कंफर्टेबल फील करती हूँ। अरे बेटा, यूं तो सारा घर ही तुम्हारा है। अम्मा जी, वो सदके के बकरे आ गए हैं, आ जाए। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। जी चले, आओ बेटा। जी जी, देखो संभल संभल के। आहिस्ता देखो, संभल के, आहिस्ता आहिस्ता। आई अम्मा जी। के दोनों पे हाथ रखो। अल्लाह सब खैरियत के साथ हो जाए। वसाई देखो, दोनों बकरे ज़बह करवा के तुम गरीबों में ये गोश्त बंटवा देना। जी चलो, आ जाओ। चलो आराम से। ऐसा लगता है इस घर में कोई अनोखा बच्चा आने वाला है। मैं ऐसे आसानी से अपने सलमान की जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मेहरीन, ये लो भाई ठंडा ठंडा जूस। अरे शायस्ता भाभी, आपने क्यों जहमत की? वसाई से कह देती, वो ले आती। कहाँ है वसाई? इसमें जहमत की क्या बात है, वसाई किचन में बिजी थी। मुझे तुम्हारी सेहत का ख्याल है, तुम्हें ले आई। रुक जाओ मेरी। पकड़ो ये। तुम जानती हो ना कि इसकी क्या हालत है? ऐसे में उसको कोई भी चीज ठंडी नहीं पीनी चाहिए। वसाई, वसाई। जी अम्मा जी, आई। मैंने कहा मरी रहती है, लेके जाओ ये। जी मेरी, आइंदा से तुम कोई भी चीज मुझसे पूछे बगैर ना खाओगी और ना पियोगी, समझी? तो कोई बात नहीं शायस्ता भाभी, यू नो अम्मा जान ज्यादा बेहतर जानती हैं। ऐसा बहुत कम कम ही देखने में आया है कि छोटा भाई जो है वो छोटी का बिजनेसमैन हो, जबकि बड़ा भाई उसी बिजनेस में सिर्फ एक मैनेजर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। देखो वकार साहब एक जीनियस बिजनेसमैन, और अजीज साहब को जितना काम आता है उन्हें वकार साहब ने मैनेजर रखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में एक भाई दूसरे का इतना भी ख्याल रखे, ये बहुत बड़ा मौजजा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही।
सुना, क्या बात है, तबीयत ठीक है? भाई तबीयत को तो छोड़ दें आप, इस घर में तो सिर्फ महरीन की तबीयत अहम है। मतलब? मतलब ये कि आज अम्मा ने मुझ पे शक किया। कैसा शक, क्या काम है जाने? आप खुद बताइए, क्या मैं यहाँ किसी की दुश्मन हूँ? मैं इस घर की बड़ी बहू, इस घर को पहला वारिस मैंने दिया है। महरीन का तो कभी बुरा नहीं चाहा मैंने। आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। मैं महरीन को जूस देने की कोशिश कर रही थी तो अम्मा ने मेरा हाथ झटक दिया। वो जूस था इद्रीस और कुछ नहीं था। अम्मा को क्या लगा, क्या मैंने उसमें जहर पिला दिया? अम्मा को क्या लगता है कि मैं महरीन या उसके होने वाली औलाद की दुश्मन हूं? इस घर के माहौल में ऐसा तनाव तो पहले कभी नहीं था। पहले कभी अम्मा ने महरीन को मुझ पे तरजीह भी नहीं दी थी और ना ही इस तरह सलमान को इग्नोर किया था। आजा। कुछ और चाहिए जी आपको? नहीं, ये साहब का कोट रख दूं। जी कार, अब अभी तो ऑफिस से आए हैं, थके हुए होंगे। यू शुड टेक रेस्ट, मगर आपने तो आती बाहर जाने की जिद पकड़ ली है। आराम से, मैं हरगिज थका हुआ नहीं हूँ महरीन। तुम सारा दिन घर में बंद बैठी रहती हो, तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए, इससे तुम्हारा मूड बहल जाएगा यार। I want to spend time with you यार। ठीक है, आपसे तो बहस करना ना बिल्कुल फजूल है। आओ चल। हाँ। मामा, मामा, मैंने भी साथ जाना है। हाँ आजो चले। सलमान तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, चलो। नहीं, मुझे मामा के साथ जाना है। मैंने मना किया ना कि तुम कहीं नहीं जा रहे, चलो मेरे साथ। अरे भाभी क्या हो गया है आपको? अगर सलमान मेरे साथ जाना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? चलो सलमान चलते हैं। आराम से मरीन। देख रही हूँ वसाई, बहुत दिन से तुम्हारा बिल्कुल काम में दिल नहीं लग रहा है, ना ढंग से सफाई करती हो ना कुछ। जानती हो ना मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो काम छोड़ देगी, जब देखो काम छोड़ देगी। अम्मा जान, आपके होते हुए छोटों का अंदाज बड़ों से बदलता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ शाइस्ता? वैसे बदलते रवैये तो मैं भी देख रही हूँ इस घर में, मगर मैंने किसी से कहा तो नहीं। अम्मा आप जानती हैं सलमान मेरा बेटा है। हो ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन जो बात तुम भूल गई हो वो ये कि सलमान और महरीन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तुमने सलमान को सिर्फ पैदा किया है, ये बात तुम भूल गई शायद। और सलमान तो बच्चा है, बच्चे तो हर काम अपनी मर्जी का करते हैं। तो अम्मा आपको नहीं लगता जब महरीन की अपनी औलाद हो जाएगी तब भी वो सलमान को इतनी अहमियत देगी क्या? सलमान की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी ना अम्मा। और आप सोचें, अगर सलमान को नजरअंदाज किया गया तो उसकी पर्सनालिटी तो शैटर हो जाएगी ना। तुम ऐसा सोचना छोड़ दो शाइस्ता, कोई उसको इग्नोर नहीं करेगा। माफी चाहती हूँ अम्मा, लेकिन जैसा आप सोच रही है ना वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
शाइस्ता को समझाना तुम्हारा काम है। वो अपनी बेवजह जिदों से इस घर का माहौल खराब कर रही है। लेकिन अम्मा जान, महरीन का बुरा तो कभी नहीं चाहेगी। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, लेकिन मैं एहतियात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अम्मा जान, तो बात फिर वही जा पहुंची है ना। क्लास में शरबत था, उसमें जहर हरगिज मौजूद नहीं था। लगता है शाइस्ता ने बहुत अच्छा सबक याद करवा के भेजा है तुम्हें। अम्मा जान, आप बात को कहां ले जा रही हैं? पहली बात तो ये कि ठंडी खिजा मुनासिब नहीं है मेरीन के लिए, और अब जब बात यहां तक आ ही चुकी है तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि शाइस्ता के रवैये से अब मुझे खौफ आने लगा है। कैसा खौफ अम्मा जान? हसद का खौफ। किसी को नीचा दिखाना और खुद को ऊंचा, इन्हीं बातों से तो हसद जन्म लेता है। लेकिन मैं महरीन के पहले बच्चे की पैदाइश तक कोई रिस्क नहीं लूंगी। सलमान, उठ जाए। आजा, आराम से, आराम से। मेरी देख के देख, सलमान को जरा निकालो, शायद सो गया है। सलमान उठो बेटा, आ जाओ, घर आ गया, उठो। आ जाओ, थक गया मेरा बच्चा, आ जाओ। नींद आ रही है? वकारी से मेरे हवाले कर दो। चलो जी भाभी। भाभी, सलमान को कहाँ लेके जा रही हैं? सलमान तो हमारे साथ सोता है। हाँ, लेकिन आज से ही अपने कमरे में सोएगा। भाभी, इसे मेरे बगैर नींद नहीं आती। अब सलमान को तुम्हारे बगैर सोने की आदत डाल लेनी चाहिए, और तुम्हें भी। चल। अरे बेटा। अब्बा जान, ये शाइस्ता भाभी को क्या हो गया? अरे बेटा, तुम खुद को क्यों हलकान करती हो? कोई टेंशन मत लो इस हालत में। बखार बेटा, तुम महरीन को लेके चलो, एहतियात से लेके जाना। जी। मामा, मैं आपके साथ सोऊंगा। हाँ मेरी जान, हम दोनों साथ सोएंगे, मेरा बच्चा। अब चले। चल, शब खैर मज। शब खैर बेटा। तुम जिस लड़के को पसंद करती थी ना, उसे बात करो और उसे कहो कि अपने घर वालों को तुम्हें रिश्ते के लिए भेजें। अम्मी अब्बू मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने अम्मी को हमारे बारे में सब कुछ सच बता दिया, और अम्मी चाहती हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ मेरा रिश्ता लेकर आए। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है रमशा। बड़ी बीबी साहिबा, रेहान से। सलमान, 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 बड़ी बीबी साहिबा, सलमान, बड़ी बीबी साहिबा, हेल्प करें।
सलमान ठीक है मेरी, सलमान ठीक मेरी दादी मुझे मामा के पास जाना है। बेटा आपको पता है ना मामा की तबीयत ठीक नहीं है। दादू मेरे मामा को क्या हुआ है? बेटा मामा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, आ जाएंगी। अगर तुम इस तरह जिद करोगे तो मामा परेशान हो जाएंगी ना बेटा। डॉक्टर साहब मेरीन कैसी है? सर ऐसा है कि पेशेंट की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, इंटेंसिव केयर की जरूरत है। देर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ और बच्चे दोनों की जान बचाने की। डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए प्लीज। हम लोग अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज दुआ करें और फिक्र नहीं करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा जान मेरी अम्मी का फोन है, आती हूँ। मामा के लिए दुआ करो बेटा, परेशान नहीं हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है अभी तक। बस आप दुआ कीजिए। चलिए मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ना हाफिज। ये जो कुछ भी हो रहा है एटलीस्ट मेरे सलमान के लिए तो बेस्ट है। लगता है वक्त और किस्मत मेरी ख्वाहिश पे मेहरबान हो गए हैं। बेचारा इन सब को अच्छी खबर का इंतजार है, इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि जिस अच्छी खबर का ये इंतजार कर रहे हैं वो तो कब की रास्ते में मर गई। शायस्ता कहाँ है सब लोग? हाँ वो रे आई। कार कोई न्यूज? ओ भाई अभी तक। डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छी खबर सुनाइए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बहू मेरीन कैसी है? वो भी ठीक है, कुछ ट्रॉमेटाइज्ड हैं फिलहाल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाएंगी और शायद शायद क्या डॉक्टर साहब? शायद वो अब कभी माँ ना बन सकें। बट स्टिल Congratulations for having a cute little baby girl. हम कुछ ही देर में पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करा देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हमारे घर में रहमत आई है, मुबारक हो, इट्स गुड न्यूज। वसाई ड्राइवर से बोलो कि वो मिठाई का बंदोबस्त करे। जी जी बड़े साहब, मैं भी लेके आती। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को।
ये लें हाशिम साहब, कल ही पूरे स्टाफ को एक बोनस सैलरी दे दें और ये दूसरा चेक यतीम खाने के लिए। ठीक है सर। सर आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खाकर जाइएगा। वसाई, हाशिम साहब के लिए खाना लगा। थैंक यू जी साहब जी। अरे वसाई ठहरो, ये मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी तुम लोगों के लिए, इसमें तुम्हारा जोड़ा भी है और जो बचे हैं वो बाकी मुलाजमीन में दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। बकार बेटा, मेहरीन नजर नहीं आ रहे। अम्मा वो आराम कर रही है। बकार, मेहरीन बहुत कमजोर लग रही है, ख्याल रखना। जी अम्मा जान, मुझे इजाजत, कुछ काम है। अच्छा बेटा। बकार बेटा, तुम्हें और मेहरीन को खुश देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बहुत दिन के बाद इस घर में खुशियां लौट कर आई हैं। जी अम्मा जी, बस ये आपकी दुआओं का नतीजा है। जीते रहो। सलामत रखे आपको मेरे चारों। और निन्नी आ गई, मेरा बच्चा। निन्नू आ ली है मम्मा की जान को। और बड़ी बीबी साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो एक बात कहूँ। बोलिए वसाई। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर के लिए छोटी बीबी साहिबा को अपनी गोद में उठा सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं वसाई, अब आपने तो संभालना है। लीजिए। बहुत शुक्रिया। चाहिए वसाई जी के पास चाहिए आप। माशाल्लाह, छोटी बीबी साहिबा तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह साई नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। लीजिए बीबी साहिबा। बस वसाई जी, आ जाओ मेरे मोमो की जान। बच बसाई थक गई है ना? अब खुश हो गई बसाई आप? जी जी, बहुत शुक्रिया। वो दरअसल मेरी कोई औलाद नहीं है ना, तो बस बच्ची को देख के मैं रह नहीं सकी। कोई बात नहीं बसाई, इसे आप ही संभालेंगे। जी जी जरूर। चाहिए चाहिए मम्मा का बेबी जान। हुई अच्छा। सलमान बेटा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, सो जाओ ना। नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है। क्यों जाना है आपको मामा के पास? हाँ, अब आपकी वहाँ कोई जगह नहीं है। कितनी बार समझाया है ना मैंने आपको। चलो शाबाश, सो जाओ। नहीं, मैंने कहा ना मैं मामा के पास जाऊंगा। बेटा आपकी मामा वो नहीं, मेरा मतलब है आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है अभी, आप कल चले जाएगा मिलने के लिए। नहीं, मुझे अभी जाना है मामा के पास। सलमान बेटा रुक जाओ। सलमान सलमान जाने दो उसे, शायस्ता वो नहीं रुकेगा। मेहरीन से बहुत ज्यादा अटैच हो गया। कोई बात नहीं। आ गई बस सोने का टाइम है, सोने का टाइम। मामा कैन आई स्लीप हियर? Why not, सलमान आ जाइए, आइए मामा के पास आइए। एक सेकंड में जान। आज आप इधर ले तो जान। ठीक है। ये देखिए अम्मा जान, अरीज। माशाल्लाह कितना प्यारा है, देखो मेरी। बहुत प्यारा नाम है। तो आपने अपनी पसंद का नाम रख ही लिया ना? जी, क्योंकि अरीज बहुत प्यारा नाम है।
क्यों अम्मा जान? हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है बेटा, अब तो इसकी खुशबू से हमारा सारा घर महकेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लीजिए अम्मा जान, अपने हाथों से पहनाइए रीच को, मैं निकाल देती हूँ। गुड़िया चूट लीजिए। ले लीजिए। सर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आप एक नज़र इनको देख लीजिए, फिर मैं इनसे वकील साहब से साइन करवा लूँगा। ठीक है हाशिम साहब, लेकिन आपने इसे लीगल कमेटी से चेक करवा दिया था? जी सर मैंने चेक करवा लिया था इन्हें। बकार ये डॉक्यूमेंट्स कैसे? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारा बिजनेस हरीश के नाम कर दिया। आपने सब कुछ हरीश के नाम कर दिया? हाँ मेरीन बेटा, भाई बेटियों पे तो जान भी कुर्बान कर दी जाए तो कम है, बेटी तो चीज ही ऐसी होती है। और मेरा सलमान? फिक्र ना करो मैरी, मैं उसके साथ भी कोई हक तलफी नहीं करूंगा। अच्छा सर, मैं और इदरीस साहब अब साइट पर निकल रहे हैं, तो आप हमें इजाजत दीजिए। ठीक है हाशिम साहब, आप पहुंचे, हम आ रहे। ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो बेटा? आज हम अपनी नई फैक्ट्री रीच टेक्सटाइल का संगे बुनियाद रखेंगे। माशाल्लाह। और मेरी बेटी भी हमारे साथ जाएगी। और माशाल्लाह। अरे शाइस्ता, क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों आ रही हो अंदर? कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ तो सरकार इतने बदले बदले क्यों है? क्या बात है, क्या चाहते हो? मेरे दिल में आग लगी हो और धुआं भी ना उठे। हाँ ये बात तो है, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं आग बुझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बात ये है कि सलमान से वकार और मेरीना सिर्फ बराए नाम मोहब्बत करते हैं, सिर्फ बातों में ना वो अपना बेटा कहते हैं सलमान को। इदरीस मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है और ना ही कोई डेकोरेशन पीस है जिससे मेहरीन और वकार दिल बहलाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो दिलो जान से चाहते हैं सलमान को। रहने दें आप, 100 गज का प्लॉट तो सलमान के नाम कर ना सके, और अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं दे रहे, ये नजर नहीं आ रहा है आपको? क्या हो गया शाइस्ता, सारी प्रॉपर्टीज वकार की हैं, वो अपनी औलाद के नाम ही करेगा ना? तुम खामखा तवक्कुल लगा रहे हो, ऐसा कहाँ होता है? अभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, मगर इस मोहब्बत के सहारे सलमान की तवक्कुआत वाबस्ता हो गई ना, तो आपको मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलो सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैक्ट्रियां, सब कुछ तो हरीश के नाम कर दिया, मेरे सलमान के पास क्या बचेगा? सलमान के हिस्से में तो अब मोहब्बत भी नहीं बची। सलमान जल्दी आओ बेटा, देर हो रही है। चलो सलमान बेटा, नीचे आपके वकार चाचू इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चलो शाबाश, चलो चलो। चलेंगे, अच्छा बीबी जाएगा, छो गया मेरी जान। ओ कमी कमी, ओ धूप धूप धूप, जल्दी जल्दी बैठ जाते हैं। क्यों? ओ मामा की जान। ओ
आजो। नहीं, आप मेरे साथ बैठेंगे, चलो। नहीं, मैं नहीं जा रहा। सलमान, सलमान, अब भाभी से पकड़ी। नहीं मेरी, तुम अंदर बैठो, हर बार इसकी बात नहीं मानी जा सकती। बैठो भाभी। नहीं, चलो शाबाश, बैठो 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 बैठो। वसाई, वसाई जी। आई बेगम साहिबा। सलमान का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। जी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू।